जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पावरफुल एंजल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये एंजल नंबर किस तरह से आपकी सारी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छा को पूरी करेगा। साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये एंजल नंबर के साथ साथ कौन से, जो कहा जाता है देवदूत हैं या कोई भी ऐसी शक्ति, कौन सी शक्ति जुड़ी है, ये एंजल नंबर कैसे काम करेगा और ये एंजल नंबर क्यों इतना महत्व का है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब भी आप इस एंजल नंबर का प्रयोग करें तो आपको मालूम हो कि ये एंजल नंबर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली पावरफुल नंबर है। दोस्तों, संपूर्ण उपाय बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ वह उपाय कि जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। ऐसा ये पावरफुल शक्तिशाली एंजल नंबर है। ये एंजल नंबर है 1176, 1176, जिसे देवदूत के नामों से जाना जाता है कि इस नंबर के साथ में जुड़े हुए देवदूत आपकी मदद करते हैं। तो कौन से ये देवदूत हैं वो बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे इसमें एक का अंक है, सबसे पहले एक का अंक है, तो जो एक का अंक है वो सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा है अंक, वो भी एक का है, जो सूर्य का ही अंक है और सूर्य का अंक आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करता है। आप देखते जाइएगा कि ये क्यों एंजल नंबर है, कौन से देवदूत इसके साथ में जुड़े हुए हैं और कैसे ये आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। एक एक देवदूत या जो भी आप इसके ग्रहपति बोले, एक एक नंबर को आप नोट कीजिएगा कि किस तरह से ये अंक बना हुआ है पूरा, कि एक का जो अंक है वो आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, आपको सेंटर में लेकर के आता है, आपकी सोच को बढ़ोतरी करता है, आपके आसपास लोगों का जमावड़ा बना रहता है, आपको तेजवान व्यक्ति बनाता है और ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है और इसी चीज़ से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके बाद में इसके साथ में अंक जुड़ा हुआ है 7 का, तो 7 का अंक हमेशा ही शुभता प्रदान करता है। 7 का अंक जिस किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है, किसी के भी साथ में जुड़ा होता है, तो उस व्यक्ति का हमेशा शुभ होता है, भला होता है। इसके बाद का जो अंक है वो 6 का अंक है। 6 का अंक शुक्र का अंक माना जाता है और जो शुक्र का अंक है, तो जो शुक्र ग्रह है वो शुक्र के व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएँ प्रदान करता है। तो भौतिक सुख सुविधाओं में यदि हम वर्तमान समय में ध्यान दें तो क्या चीज़ें आती हैं, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, अच्छा व्यापार है या अच्छी जॉब है, ये चीज़ें शुक्र प्रदान करता है। अच्छी लाइफस्टाइल आपको प्रदान करेगा और इसको आप अच्छे से भोग सकेंगे, इतना आपको शारीरिक सक्षम भी बनाएगा, यानी आपकी बीमारियाँ भी आपसे दूर रहेंगी। तो इस तरह से जो पूरा अंक बनता है वो 1176 का अंक बनता है। अब इन सभी अंकों को यदि आप जोड़ते हैं तो 1 1 2 2 और 7 9 9 और 6 15, 15 का यदि आप योग बनाते हैं तो वो पूरे का जो भाग्यांक बनता है वो भी 6 का बनता है, 6 का बनता है। अब ये जो 6 का अंक है फिर से शुक्र प्रदान ही है, ये आपके भाग्य को उजागर करेगा। जैसा मैंने बताया कि जो आपके भाग्य को उजागर करके शुक्र का अंक, शुक्र जो व्यक्ति को प्रदान करता है, वो सारी ही चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें सारी ही भौतिक सुख सुविधाओं का आप अपने जीवन में महत्तम लाभ उठा पाएंगे। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, तो इसे आप अपने किसी भी दोनों हाथ में कहीं पर भी आप लिख लें, लाल रंग से आप इसको लिख लें और आप इसको किसी वाइट पेपर पे लिख करके अपने पर्स में भी रख सकते हैं, हाथ में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाध्य नहीं है। लेकिन जब भी आप इसको लिखें तो मन ही मन ये सोचें, मान लीजिए कि आपको कोई अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब या सरकारी जॉब के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये आप सोचें कि इस महीने तक आपकी ये जॉब लग चुकी है, आपकी इतनी सैलरी हो चुकी है। या आप कोई बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये सोचें कि मेरा ये बिज़नेस, मेरी ये शॉप या दुकान या गाड़ी इस दिन इस तारीख तक हो चुकी है। आपको मन ही मन सोचना है कि यह काम मेरा इस दिन तक हो गया है। और संसार में जो व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, ईश्वर उसको सब प्रदान करे, ये मन में लगातार सोचते रहें।
और आप इस नंबर को लिखें। जब भी किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो मन ही मन ये सोचें कि ये आपका काम हो गया है, उसको संपूर्णता पूर्णता प्रदान करें कि ये काम आपका हो गया है। इसके साथ साथ आप प्रयत्न प्रारंभ करें, आप देखेंगे कि उस दिन तक आपका काम बन जाएगा। इस अंक के जो देवदूत हैं वो आपकी स्वतः मदद करेंगे और आपका काम उस दिन तक बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।